सो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम, प्रणाम आप सभी लोगों को। मेरा तो स्वागत है मेरे एक न्यू ब्लॉग में आप सभी लोगों का। तो आज है 23 तारीख, 23 नवंबर। तो आज है बूढ़ी दीपावली कह लो, या देव उठनी एकादशी कह लो, या फिर हमारे यहाँ इसको बल्दी एकादशी के नाम से भी जानते हैं, जिसमें हम लोग अपने बैलों के लिए खिचड़ी वगैरह बनाते थे, पहाड़ में बनाते थे। यहाँ पर तो ये सब मतलब जिसके पास बैल होते होंगे वो तो करते होंगे, लेकिन हमारे पास, हम लोग तो खेती बाड़ी सब ट्रैक्टर से करते हैं। तो हम इसको मनाते हैं बूढ़ी दीपावली या देव उठनी एकादशी के तौर पर। तो आज मेरे प्यारे लड्डू गोपाल और राधा रानी इतने प्यारे से लग रहे थे गर्म कपड़ों में। तो सारा घर का काम ख़त्म करने के बाद सबसे पहले मैंने पूजा पाठ किया था। और आज ये जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, इसका जो व्रत होता है उसका एक खास महत्व हमें हमारे वेद पुराणों में बताया गया है। तो आज से मैंने भी एकादशी का व्रत उठाया था, आज मैंने भी एकादशी का व्रत रखने का सोचा था। तो मैंने आज व्रत रखा था। तो सबसे पहले मैंने सुबह पूजा पाठ करी। मतलब जो व्रत होते हैं ना, सबकी अपनी अपनी अहमियत होती है, लेकिन जो एकादशी का व्रत है वो सभी व्रतों के कहिए गुरु कहिए या मतलब सर्वश्रेष्ठ ये व्रत माने जाते हैं एकादशी के। तो आज से एकादशी का व्रत मैंने भी स्टार्ट किया था। तो सारे काम ख़त्म करने के बाद मैं एक टाइम मतलब खेत की तरफ गई सुबह। तो होता है कि खेत ना जाओ जब तक चैन नहीं आता। तो इतना प्यारा सा व्यू लग रहा था गोलापार का, सब कुछ का अपना अपना मौसम है। कहीं टमाटर हो रहे हैं, कहीं वो देखिए लाई एकदम से खिल चुकी है, कहीं प्याज के लिए खेतों की तैयारी हो रही है, कहीं गेहूं की बुआई हो गई है, कहीं प्याज का बीज हो रहा है। तो सब कुछ का मतलब अपना मौसम है, अपना अपना टाइम है, और इतना प्यारा सा व्यू ये लग रहा था। तो आज ज़्यादा काम था नहीं, तो सुबह 10 साढ़े 10 के आसपास में हम लोग फिर से तैयार हो गए थे। तीनों मम्मी बेटा की टोली जो है, बच्चों की भी आज छुट्टियाँ थी, तो हम चल दिए थे मार्केट की तरफ। आज जो गोलापार का ये था व्यू मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी। गोलापार का तो क्या ही दिखता है आपको, मैं यहाँ वहाँ दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ना सबसे मतलब अच्छा ये लगता है कि मुझे ये लगता है कि हम लोग ना अपने पहाड़ों के नज़दीक हैं, सबसे प्यारी चीज़ मुझे ये लगती है। तो आज ड्राइविंग कर रहे थे बड़े वाले बेटा जी स्कूटी चलाने लग गए हैं, एक रिलैक्स का सा फील, मतलब कि हाँ अब बच्चे बड़े होने लगे हैं, मतलब थोड़ी बहुत हर एक काम में हमारा हाथ बटाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। ये गोलापार में इंदिरा गांधी जो नेशनल ये है स्टेडियम है, ये उसका व्यू आपको दिखा रही थी, वो दिखाने की कोशिश मैं कर रही थी। तो बाबू आज गाड़ी चला रहे थे, काफ़ी अच्छी गाड़ी चला रहे थे, बहुत धीरे धीरे गाड़ी चला रहे थे। मैं वैसे बहुत छोटे हैं अभी, ज़्यादा खुद से उन्हें चलाने को नहीं देती, लेकिन जब हम साथ में होते हैं या इनके पापा जी या मैं साथ में रहते हैं तो वो गाड़ी चला लेते हैं अब। तो ये था जो है ये गोलापुल का से मैं व्यू आपको दिखाने की कोशिश करती, यहाँ से गाड़ी मैं चलाने लग गई थी। तो हम लोग मार्केट गए, थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह करनी थी, तो बच्चों का मन भी था कि हम भी साथ में चलते मम्मी। तो और ये है हल्द्वानी में, अभी शादी का सीज़न चला, तो इतनी सुबह 10 बजे कम से हम मार्केट पहुंच गए थे, लेकिन इतनी सारी भीड़ मार्केट में देखने को मिली कि क्या ही बताओ। एक तो छोटी छोटी सी गलियां हैं, उसके अंदर रिक्शा ई रिक्शा कार स्कूटी वगैरह सभी कुछ होते हैं, तो बापरी। तो इतनी सी थोड़ी बहुत हमने करी थी शॉपिंग, फटाफट आ गए थे घर हम लोग। तो शाम के टाइम थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद मैं चली गई थी खेत की तरफ, और काटना था सबसे पहले मुझे घास काटा, क्योंकि गाय बच्चे के लिए ना घास बहुत मतलब डेली रूटीन के काम में घास काटना तो हमारा होता ही होता है, घास ज़रूरी काटना है गाय के लिए। तो सबसे पहले शाम के टाइम में मैं रेस्ट के उठी, तो मैं सबसे पहले घास ही काटने चली गई थी। तो कोई बेटा जी लोग साथ में थे नहीं, तो खुद ही से वीडियो बना रही थी, तो वो ठीक ठाक सी नहीं बनी। तो और ये था शाम का प्यारा सा खूबसूरत सा व्यू, बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। अब दिन ढलने आया है और सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, किसी का लहसुन गुड़ाई हो रही है, किसी की टमाटर गुड़ाई हो रही है, कोई
घास काट रहा है, मतलब सबका अपना अपना काम है, सबका अपना अपना टाइम है। तो मैंने फटाफट से घास का गट्ठा उठाया सर में और चली आई थी घर की तरफ। फटाफट से काटी कुट्टी और गैया मैया को उनकी जगह पे गोट में बांध दिया, बहुत जल्दी बांध दिया था क्योंकि ठंडा होने लगा। उन्हें बोला बाबाई और आ गई अंदर दूध की बाल्टी लेकर। वहाँ पर बड़े वाला बेटा मेरा कर रहा था हेल्प मेरे बर्तन धोने में और छोटा वाला बेटा रूम ठीक कर रहा था। और इसके बाद जो है हम लोग फिर से हैं, मैं थोड़ा सा अपने लुक को चेंज करती हुई और इतराती हुई खूबसूरत सी मुखड़ी को शीशे में देखती हुई कि हम लोग जा रहे थे शाम को थोड़ा सा घूमने के लिए। और ये छोटे मोटे बच्चे मेरे साथ चल दिए, वो दादी अम्मा भी हमें मिली थी रास्ते में। तो इसके बाद हम लोग ना थोड़ी देर शाम को, मतलब डेली जाती हूँ मैं घूमने के लिए थोड़े थोड़े टाइम के लिए, ज़्यादा टाइम तो नहीं मिलता लेकिन थोड़े टाइम अपने वॉक के लिए मैं ज़रूर निकालती हूँ। ये देखिए बच्चे भी आज साथ में थे, इनकी काफ़ी मस्ती चल रही थी तीनों भाइयों की। सबसे बड़े वाले बेटे तो नहीं आए थे, लेकिन फिर उसके बाद हम लोग घर आए और शाम को जो है बूढ़ी दीपावली का हमारा प्रोग्राम, हमारा इंतजाम हो रहे थे क्योंकि ये हम आज भी ये दीयों की रोशनी इसलिए करते हैं। ऐसी मान्यता सुनी थी हमने कि जैसे राम लक्ष्मण सीता जी जब वनवास से वापस आए थे तो अयोध्या में, तो जब दीपावली मनाई जाती तो तब दिए जलाए थे, लेकिन जब हमारे पहाड़ी एरिया जो पहाड़ी इलाके हैं उन हम लोगों को 11 दिन के बाद पता चला था कि राम जी वनवास से वापस आ गए हैं, तो हमने तब दियों से ये उत्सव मनाया था तो उसको हम आज भी मनाते हैं। तो इसके बाद हमारा पूजा पाठ शुरू हुआ था, थोड़ा सा भजन कीर्तन, देव उठनी एकादशी, जैसे कि आज का दिन है तो शाम के टाइम में भगवान विष्णु को ढोल नगाड़ों शंख घंटी तालियों के साथ में उठाया जाता है। तो इसके बाद पूजा पाठ खत्म करने के बाद हम लोग इंजॉय करने के लिए बाहर चले गए थे। मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता है बच्चों के साथ, मतलब बच्चों के साथ हर चीज़ को इंजॉय करना ना मुझे बहुत 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 पसंद है। तो मैं हर चीज़ में बच्चों के साथ रहना मुझे पसंद है और पटाखे चला रही हूँ तो मैं माहिर हूँ क्या ही कहना। तो हमने बहुत देर तक बहुत सारी मस्ती करी, 4 मेरे साथ बच्चे थे और 1 मैं उनकी मम्मी थी। तो हम लोग बहुत देर तक पटाखे वगैरह जलाते रहे, काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी मतलब इंजॉय किया बच्चों के साथ। एक लाइफ ना अलग ही लेवल की होती है, सारी टेंशन चिंता फिक्र से सब कुछ अलग है ना। तो बच्चों के साथ खुल कर जीना चाहिए हमें, जितना भी टाइम मिलता है बच्चों के साथ जो टाइम स्पेंड होता है, जो बच्चों के साथ टाइम निकलता है ना, वो मतलब मुझे सबसे बेस्ट लगता है। सब कुछ भूल जाते हैं, बस बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं, वो टाइम ना मुझे सबसे बेस्ट लगता है। तो इस तरीके से मनाए थे हमने आज अपनी जो देव उठनी एकादशी, बूढ़ी एकादशी, बल्दी एकादशी, जो भी बोल लो, तो इगास बगवाल के नाम से भी जानते हैं हम लोग इसे। तो रात के खाने में बच्चों के लिए मैंने बनाया हुआ था आलू बड़ी की सब्जी पराठे, और ये था मेरा जो स्पेशल भोग था आज भगवान जी के लिए बनाया था मैंने घर पे, दूध और चीनी से जो मिक्स एक मीठे के रूप में मैंने बनाया हुआ था, क्योंकि आज अन्न का जो है भोग ना तो व्रतधारी खुद लेता है ना ही भगवान को लगाता है। तो इसके बाद आया था सोने का टाइम, सबसे पहले लड्डू गोपाल और राधा रानी जी को मैंने सुला दिया था, ये लोग सो गए थे और बाबू लोग भी आज पहले ही सो गए थे क्योंकि सुबह स्कूल जल्दी जाना होता है उन्होंने भी, तो टाइम से मैं उनको भी सुला देती हूँ। तो ये देखिए इतने प्यार से ये लोग सो रहे थे, और ये देखिए इनकी रजाई देखिए, इतनी बड़ी बड़ी सी रजाई, और वो देखिए पंखा ऊपर चलता है, नीचे हमारे बाबू सोते हैं। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही था, और नेक्स्ट ब्लॉग में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री राधे, बाय बाय, लव यू।